हेलो फ्रेंड, हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। हमेशा आपकी लाइफ में ऐसी रोशनी बनी रहे। सो हेलो फ्रेंड, गुड मॉर्निंग, वेलकम बैक टू माय चैनल। तो सुबह सुबह उठ चुके हैं, आ चुका है हमारा ब्रेकफास्ट। चलो ब्रेकफास्ट करते हैं, फिर उसके बाद आपसे बातें करेंगे। ओके, लिटरली मेरे हेड में हो रहा था थोड़ा सा हेडेक, तो भाई ये भी दे रहा है मेरे को एक अच्छा सा मसाज। हेड मसाज ए भला गिर मुझे दिख रहा चुल बाजा है। क्या मेरे ये बाल बचेंगे जितने भी थे या नहीं बचेंगे? सो लिटरली भाई एक नंबर की चंपी करता है यार। मेरा हेडेक धीरे धीरे कम होता जा रहा है, लेकिन वो ऑयल बहुत ज़्यादा लगा रहा है। ऑयल मेरे स्कैल्प से बह बह के निकल रहा है, लेकिन अच्छा होता है बालों के लिए ऑयल भी, है ना। तो मैं भाई से वही बोल रही हूँ, तो इंजीनियरिंग छोड़ के हेयर मसाज ने स्टार्ट कर दे। तो अभी फिर उसके बाद हमने कुछ भी शूट नहीं किया, दिन बस होते रहे, खा कर पी कर सो गए थे। अभी आ चुके हैं हम पटाखे खरीदने। तो यहाँ पर सारे जितने भी पटाखे की दुकानें यहाँ पर इकट्ठे लगती हैं, क्योंकि गवर्नमेंट का रूल है कि आप अलग अलग जगह पर पटाखे की दुकान नहीं लगा सकते, एक ही जगह पर लगाना। यहाँ पर ऑल टाइम पुलिस की निगरानी होती है। चलो फटाक से इधर से पटाखे वगैरह लेते हैं, फिर पहुँचेंगे घर, घर चल कर फिर पटाखे जलाएंगे। ये सारे पटाखे यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा था कौन सा लें कि ना लें। फिर हमने डायरेक्ट दुकान वाले भैया को बोल दिया, भाई सब आपके पास जितने पटाखे हैं सब एक एक पैकेट रख दो, फिर देखते हैं जो भी होगा, है ना। समझ रहे हो, समझ रहे हो। ए लाइट पोर्शन। सो फाइनली पटाखे खरीद लिए हैं, पॉलीथीन भर के घर चल के दिखाएंगे कि कौन कौन से पटाखे क्या क्या लिए हैं। ओके, अभी यहाँ पर है बहुत ज्यादा भीड़ और कंटिन्यूअसली गाड़ियों की आवाज आ रही, तो आई होप कि आपको सुनाई नहीं देने वाला है। तो इकट्ठे घर पहुंचेंगे, फिर बात करेंगे। ओके, फिर घर चल के जल्दी जल्दी से रंगोली भी बनानी है, बहुत सारी चीज़ें बाकी हैं सब करना है। तो चलो फटाक से घर पहुंचना है, फिर मिलेंगे। सो लिटरली उसके बाद हम आ गए चंडी माँ के मंदिर में, बिकॉज मम्मी का आज था फास्ट। तो चलो यहाँ से दर्शन करते हैं, फिर घर जाएंगे। घर जाकर रंगोली भी बनानी है, बहुत सारे काम है जो करने। फिर फटाक से माता रानी के दर्शन करते हैं, फिर घर पहुँचते हैं, फिर घर पहुँच के आपसे मिलते हैं। ओके, तो गाइस आ चुके हैं घर वापस। ये रहे हमारे सारे के सारे पटाखे, लेकिन अभी इनको नहीं जलाएंगे, पहले रंगोली बनाएंगे। ओके, तो ये बनाने लगी हूँ मैं रंगोली, और किसी को शूट करने वाला कोई मिला नहीं था जो मैं शूट करके मैं स्टार्टिंग से दिखाती कैसे किया था, लेकिन अभी इनकम्प्लीट है। आई होप कि आपको समझ में आ रहा होगा, और ज़रूर कमेंट करके बताना कि आपको मेरी रंगोली कैसी लगी। अभी कम्प्लीट नहीं हुआ, लिटरली थोड़ा सा टाइम लगा इसको कम्प्लीट होने में, और ये लोग मेरे को बनाने भी नहीं दे रहे। सारे भाई वाई सब इकट्ठे हो गए पटाखे फोड़ने के लिए, और वो मेरे को बार बार डिस्टर्ब कर रहे, इधर उधर से परेशान कर रहे ताकि मेरी रंगोली बिगड़ जाए और मेरे से लेट हो। ये देखो मैं भागी, क्योंकि ये लोग यहाँ पे गन से फायरिंग कर रहे थे। ये देखो पापा भी ले लिया है गन। चलो देखते हैं निशाना लगेगा कि नहीं लगेगा। निशाना लगाना है उस बॉटल के अंदर, यानी बॉटल को गिराना है। ये फाइनली बॉटल गिर गई। तो अब फिर से मैं रंगोली पे कंसंट्रेट कर रही हूँ। मेरी रंगोली कब की बन गई होती, लेकिन एक से डेढ़ घंटा लगे, क्योंकि ये लोग परेशान कर रहे थे मुझे, इतना परेशान कर रहे थे कि कुछ मत पूछो। तो अभी मैंने उनको सबको डांट के भगा दिया, मैंने मम्मी को बाजू में बुला के खड़ा कर लिया था। मम्मी ने कहा, मम्मी यहाँ खड़े हो जाओ वरना ये मेरे को कंटिन्यूसली परेशान करते रहेंगे। और भाई को पकड़ाया था कैमरा, मैंने कहा तू भी यहाँ बैठा रहा, हिलना नहीं है तेरे को यहाँ से। She don't have sufficient color. I have to use this color once. She don't yes, have enough. She don't have enough color to complete her rangoli. Color is in very less amount. See, this is confusion. सो फ्रेंड, ऑलमोस्ट मेरी रंगोली कंप्लीट हो चुकी है। अब जस्ट ये कलर फिल करने, और ये कलर जो है ना वो ज़्यादा अच्छे नहीं थे, क्योंकि मैंने लोकल दुकान से लिया था जो बाजू में दुकान है। क्योंकि मम्मा पहले रंगोली लेके आई थी मेरे लिए, और वो रंगोली पता नहीं उन्हें कहाँ रख दिया, लिटरली मिल नहीं रहा है, क्योंकि दिवाली की सफाई भी हुई है। तो वो थोड़े से पहले लेके आ गई थी, एक दो दिन पहले, तो शायद स्टोर रूम वगैरह पता नहीं कहाँ रख दिया। तो यहाँ जो भी रंग मिला था मैंने उसी से जुगाड़ लगा के बना लिया। क्या
हे फ्रेंड, फाइनली मेरी रंगोली कंप्लीट हो गई है। कैसी लग रही है जल्दी से बताना। आप पता है ज़्यादा अच्छे से नहीं बना पाई मैं, क्योंकि बहुत जल्दी जल्दी बना रही थी, बहुत लेट भी हो गया था, ये लोग परेशान भी कर रहे थे। फाइनली हमारी रंगोली बनानी कंप्लीट हो चुकी है। अब चलिए फटाक से रेडी हो जाते हैं, बिकॉज ऑलमोस्ट बच चुके हैं 9, तो पूजा भी होनी है, सब कुछ बाकी है। चलो फटाक से अब आपसे मिलेंगे डायरेक्ट रेडी होने के बाद। ओके बाय बाय। फाइनली मैंने आउटफिट पहन लिया है, चेंज कर लिया है और हल्का सा मेकअप किया है। मेकअप कुछ भी नहीं किया, जस्ट कॉम्पैक्ट पाउडर लगाया था फेस पे और हल्की सी लिपस्टिक अप्लाई करी है और बाल वैसे ही बन बना लिए कि बाहर जाएंगे पागलों की तरह भागेंगे। ये बड़ी अच्छी बात कही है। सो फाइनली गाइस हो चुके हैं रेडी, चलो जल्दी से चलते हैं बाहर, पटाखे वटाखे फोड़ते हैं। भाई लोग ने ऑलरेडी पटाखे फोड़ने स्टार्ट कर दिए हैं, मैं जल्दी से रेडी हुई। मैंने इस तरीके से एक शॉर्ट ड्रेस पहनी है ये, बिकॉज मेरे को पटाखे फोड़ने बहुत अच्छे लगते हैं। पटाखों से यूजली मुझे डर लगता है, तो पटाखे चला कर दौड़ के भागना होता है, लॉन्ग ड्रेस में भागना इम्पॉसिबल हो जाएगा। चलो ज़्यादा बात ना करते हैं, बाहर चलते हैं और देखते हैं बाहर का माहौल क्या है। ओके चलो 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 चलो। तो फ्रेंड आते लिटरली मैंने यहाँ पे स्टार्ट कर दिया है फोटो खिंचवाना। मैंने कहा चलो रंगोली के साथ मेरी फ़ोटो खींचो, क्योंकि अभी भाई लोग पटाखे वटाखे जला के इन सब रंगोलियों को उड़ा देने वाले हैं। और ये भी रही एक छोटी सी फ़ोटो। अब ये भाई लगा है पटाखे फोड़ने, कौन सा पटाखा फोड़ रहा है। अच्छा ये सेल है जो बार बार फटता है वो, चलो देखते हैं कैसे फटता है ये। फ्रेंड अब हो चुका है पटाखे फोड़ने का सिलसिला स्टार्ट। चलो मैं भी जल्दी जल्दी से पटाखे फोड़ती हूँ, वरना शूट करने के चक्कर में एंजॉय नहीं कर पाएंगे, और एंजॉय करते हैं तो फिर शूट नहीं हो पाता, कुछ एक ही होता है। चलो आज दिवाली है तो पहले एंजॉय करते हैं, उसके बाद शूट करेंगे। सो फ्रेंड हो चुका है सेलिब्रेशन ओवर, ओवर तो नहीं बोल सकते, ऑलमोस्ट 11:30 बज चुके हैं। तो मम्मा ने मना कर दिया कि अब मत फोड़ो पटाखे, तो अभी बहुत सारे बच्चे बोलते हैं कल फोड़ लेना। सो अभी चल रहा है सबका फोटो शूट। तो ऑलमोस्ट हमारी दिवाली सेलिब्रेशन करनी हो गई है, हम लोगों ने अनलिमिटेड पटाखे जलाए, इतने पटाखे जलाए कि लिटरली शूट ही नहीं हो पाया। भाई लोग को पकड़ा कि भाई लोग शूट कर लो, तो कैमरा ऑफ करके शूट कर रहे थे। सोचो वीडियो प्लेयर ऑन ही नहीं किया, और पता चला वीडियो शूट भी हो गई उनकी, बाद में देखा तो पता चला शूट ही नहीं हुआ। चलो अभी दो तीन चीज़ें और हम ऊपर जाने वाले हैं छत पे, छत पे जाकर एक दो चीज़ें फोड़ने वाले, जो कि छत वाली चीज़ें हैं, रॉकेट्स वगैरह इजीली हम नीचे नहीं चला सकते। फिर इसी के साथ कर देंगे आज की वीडियो को एंड। ये रही हमारी छोटी सी दिवाली सेलिब्रेशन। लिटरली फोटो शूट पे डिस्कशन होता हुआ कि क्या पोज होने चाहिए और क्या एंगल बनना चाहिए। कैमरामैन आकाश के साथ रिपोर्टर मौसमी मलिक की न्यूज। तो कैमरामैन आकाश के साथ मौसमी मलिक रिपोर्टिंग, और ये दोनों आसामी खींच रहे। कैमरामैन बोलता हुआ कि भाई जाइए जाइए मेकअप करके आइए, आप काले लग रहे हो। एक क्लिक। तो अभी लास्ट हमारे पास ये बच गए थे, इनको क्या बोलते हैं मेरे को इनका नाम याद नहीं है, इनको फानूस टाइप का कुछ बोलते हैं। तो मैंने कहा चलो इनको उड़ाते हैं और इनको दो अलग ही कर दो घर से, फिर बाकी जो है कल वो फोड़ेंगे। तो मैंने कहा चलो इसके साथ पहले मेरी फोटो की, जब ये भाई लोग लगे हैं इसको उड़ाने, लेकिन पता नहीं ये ऊपर ही नहीं जा रहा था, क्या दिक्कत थी इसको। कंप्लीट हो ही नहीं रही है किसी की, क्या करे। चलो जोर से बोलो जय माता दी। हैप्पी दिवाली, बाय बाय, गुड नाइट, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के।
हिस्सा। तब तक वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज डू लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब टू माय यूट्यूब चैनल विच इज मौसमी की दुनिया। और लाइक कमेंट शेयर और सब्सक्रिप्शन क्या है, बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब मुफ्त मुफ्त मुफ्त, दिल खोल के करो। बाय बाय। सो ये रही हमारी छोटी सी दिवाली सेलिब्रेशन, तो मैंने कहा चलो इसको एंड हमारी छोटे छोटे अच्छे क्यूट क्यूट फोटोज के साथ करते हैं। तो गाइज वंस मोर हैप्पी दिवाली टू ऑल ऑफ यू। माँ लक्ष्मी आपके घर में हमेशा इसी तरीके से रहे और आपके घर की रोशनी हमेशा बरकरार रखे। ओके गाइज, चलिए बाय बाय, लव यू, जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो के साथ। बाय बाय।